अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ भिंडी की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भिंडी को अच्छे से वॉश कर लिया था और उसे बारीक बारीक कट कर लिया था। सबसे पहले हम पैन में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, और हमने जो 3 प्याज को अच्छे से हमने कट कर लिया था, और इसे हम हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को। तो यहाँ पर हमारी जो प्याज है तो वो लाइट ब्राउन हो चुकी है, तो इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। और इसी पैन में जो हमने भिंडी कट की हुई है तो ये हम डाल देंगे, और इसे हम स्टार्टिंग में फुल फ्लेम पर पकाएंगे, फिर जो गैस की फ्लेम है वो लो कर देंगे। इसमें हम आधा टेबल स्पून नमक भी डालेंगे। तो यहाँ हमारी भिंडी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो अब ये तेल में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। इस दौरान हम गैस की फ्लेम लो रखेंगे, और यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून रेड मिर्ची का पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और 2 हरी मिर्ची को बारीक कट कर कर डालेंगे, और जो हमने प्याज को ब्राउन किया था लाइट ब्राउन, तो वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और भिंडी को, प्याज को और ये तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, मज़ेदार सी हमारी भिंडी तैयार है। ऊपर से मैंने इसमें धनिया डाला है। तो प्लीज़ आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।